केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में कई लोगों ने जान गंवा दी और इस लैंडस्लाइड की वजह से चार गांव ऐसे भी थे जिनका देखते ही देखते निशान मिट गए, मतलब कुछ बचा ही नहीं। बचे हुए लोग राहत शिविर में लाए जा रहे हैं और जिनका पता नहीं चल पाया उन्हें खोजा जा रहा है। और इस आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों से मुलाकात भी की। ये वही वायनाड है जहां से कभी राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे। साल 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। साल 2024 के लोकसभा में भी उन्हें यहां से जीत हासिल हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से जीत हासिल होने के बाद उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी। अब वहां पर उपचुनाव होना है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा उम्मीदवार हैं। फिलहाल आपको बात ये करते चलें कि यहां पर लैंडस्लाइड हुई और इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 29 से 30 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश इस इलाके के लिए आफत बनकर आई। यहां एक नहीं तीन से चार बार लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से चुड़मल और नुलपुझा मुडकई गांवों में तबाही आई। और 1 अगस्त को इसी लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके का जायजा लेने कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता वहां पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ सलाह दी आपको बयान भी सुनवाएंगे। राहुल गांधी ने लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। कांग्रेस नेता ने प्रभावितों से अपनी तरफ से हर संभव मदद देने का वादा भी किया। राहुल गांधी प्रियंका गांधी डॉक्टर मुपेन मेडिकल कॉलेज और मेपड्डी में बने राहत शिविरों में भी पहुंचे और मरीजों से हालचाल लिया। उन्होंने लैंडस्लाइड वाली जगह पहुंचकर मौजूदा हालात का जायजा भी लिया। सुबह 9:30 बजे कन्नूर हवाई अड्डे पर राहुल गांधी पहुंचे थे और प्रियंका गांधी वाड्रा सड़क मार्ग से वायनाड पहुंची थी। उनके साथ पार्टी के महासचिव और अलपुझा से सांसद केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। इसके बाद वहां पर लोगों से मिले और उसके बाद उन्होंने बयान दिया। लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए लोगों से मिलने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेहद ही भावुक नजर आए। उन्होंने भावुक अपील भी की और बोले कि मुझे अपने पिता की याद आ गई। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस आपदा में अपनों को खोने और खोने का दर्द क्या होता है ये मुझे पता है और मुझे अपने पिता का वक्त याद आ गया जब मैंने अपने पिता को खोया था। I feel how I felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died. And here people have not just lost a father. They've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it, it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. Our state governments have also offered help. We are helping from here, and of course the administration here is also doing all they can. And when we're here tomorrow, we are thinking of sitting down and just chatting out how many affected people there are, what all we can do, what help is coming, how much support is coming, and how we can assist, especially the children who are left on their own. इस दौरान राहुल गांधी ने इस आपदा और बचाव कार्य को लेकर राजनीति न करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा ध्यान लोगों को बचाने पर होना चाहिए न कि राजनीति पर। अब आपको अंत में यह भी बता दें कि केरल के वायनाड जिले में 29 जुलाई को मूसलाधार बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में यहां के चार गांव पूरी तरह से साफ हो गए और उनमें काफी तबाही भी दिख रही है। वहां पर राहत बचाव कार्य भी जारी है। खबर लिखे जाने तक यहां पर करीब करीब 456 लोगों की मौत होने की खबर है जबकि बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। यहां भारी बारिश के बीच जमा हुए कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी मुश्किल हो रही है। यहां तक कि हवाई जहाज से भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल NDRF ने भी सभी सुरक्षाकर्मी वहां लगे हुए हैं और बचाव कार्य जारी है। इस पर कोई अपडेट आता है तो आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।